नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साई टेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, हमारा चल रहा है फोटोशॉप सीसी और हम लोग सीख रहे हैं इन तमाम टूल्स के बारे में। तो जैसा कि पिछले अध्याय में हमने सीखा यहां से लासो टूल के बारे में, और ये तीनों टूल प्रॉपर तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ चुके होंगे। तो इस अध्याय में हम लोग सीखने वाले हैं उससे अगला टूल, जो है मैजिक वन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। तो जैसे जनरल भाषा में हम इसे मैजिक टूल भी बोलते हैं और क्विक सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं। ये जो ऊपर है क्विक सिलेक्शन टूल, तो मैजिक टूल के बारे में हम जानेंगे और क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स हैं हमारे, लेकिन ये भी टूल जो है सभी इमेज पर काम नहीं कर पाते। तो किस पर काम कर पाएंगे, किस पर नहीं काम कर पाएंगे, इसीलिए इनको हम प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर तीन इमेज का सिलेक्शन लेकर के आए हुए हैं। एक आप ये इमेज देख सकते हैं, उसके बाद एक ये इमेज देख सकते हैं और एक ये इमेज देख सकते हैं। इन तीनों इमेज भी हम इसे समझेंगे प्रॉपर तरीके से, एक्चुअली ये कहाँ पर सही काम करेगा और कहाँ पर ये प्रॉब्लम करेगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की एक से एक ट्यूटोरियल्स आपको देखने को मिल सकती है इस चैनल पर। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस इमेज को अल्टर प्लस माउस स्क्रॉल बटन से हम थोड़ा जूम करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से सामने दिखाई दे, और उसके बाद हम समझते हैं मैजिक बैंड टूल। तो सबसे पहले आप जितने भी सिलेक्शन टूल हैं, आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि आप किसी भी सिलेक्शन टूल को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ये प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए सभी की सेम रहती है, उसी प्रकार यहाँ के लिए भी ये सेम रहेगी। थोड़ा सा आगे कुछ प्रॉपर्टियाँ बढ़ती हैं जिसे हम अभी समझेंगे। तो एक्चुअली मैजिक बैंड टूल करता क्या है कि आपने जहाँ पर इसको क्लिक किया तो वहाँ से एक पिक्सल को पकड़ता है और उस पिक्सल का जो कलर होता है वो कलर अपने आसपास के एरिए से सेलेक्ट कर लेता है। बिल्कुल इसका सेम सिंपल फंक्शन है, लेकिन वो कलर का कुछ परसेंटेज होगा कि उस कलर का जो कलर है अगर हम यहां से टॉलरेंस इसका 100% कर देते हैं तो क्या होगा कि उस कलर से मिलता जुलता सारे कलर को पकड़ लेगा। लेकिन अगर हम यहां से इसका परसेंटेज 1 कर देते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर उस खास पिक्सल का जो कलर होगा वही कलर अगर उसके आसपास मिलेगा तो सेलेक्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल फंडा है इसका। जैसे यहां पर अगर हम आप यहां पर देख सकते हैं बैकग्राउंड लगभग लगभग एक सिंगल कलर का है, तो ये टूल भी जिस इमेज का बैकग्राउंड सिंगल कलर है या थोड़ा मोड़ा एक कलर या दो कलर में है या थोड़ा मोड़ा वेरिएशन है तो वहां पर यह टूल बहुत ही बेहतरीन काम करता है किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के लिए या किसी भी इमेज के किसी भी हिस्से को सेलेक्ट करने के लिए। तो ये टूल खास करके वहां पर काम आता है जब हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड बदलने की कोशिश करते हैं या कोई भी बैकग्राउंड का कलर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर यह टूल बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन खास करके वहां पर जहां पर इमेज का बैकग्राउंड कलर बिल्कुल सिंगल कलर का हो या कम वेरिएशन हो, तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इसका इमेज का जो बैकग्राउंड है इसका वेरिएशन बहुत ही कम है, लगभग लगभग सिंगल कलर है। तो यहां पर मान लीजिए 30% डिफॉल्ट रहता है, तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल ग्रे कलर जहां जहां तक मिला वहां तक ये सेलेक्ट कर चुका है। और यहां पर भी देख सकते हैं न्यू सिलेक्शन प्रॉपर्टी से सेलेक्ट है, तो जैसे ही आप यहां पर भी जब सेलेक्ट करना चाहेंगे तो यहां का सिलेक्शन हट गया और यहां का सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इधर का भी सेलेक्ट करना है और इधर का भी सेलेक्ट करना है, अगर यहां ऊपर कट नहीं होता और ये कलर जो है ऐसे बाईपास किया होता तो ये इधर का भी सेलेक्ट करता और इधर का भी सेलेक्ट करता। जैसे कि आप यहां पर बीच में देख सकते हैं कुछ ग्रे कलर सेंटर में है लेकिन उसको सेलेक्ट ये नहीं किया क्योंकि उसके साइड से ये हेयर आ रहा है तो ये रोक दिया। तो ये एक्चुअली लिंक चाहिए होता है, उस लिंक जहां तक नहीं कटा वहां तक के लिंक के अंदर उस परसेंटेज के अंदर जितने पिक्सल मिलेंगे उतने पिक्सल को ये सेलेक्ट कर लेगा बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से। तो अब यहां पर अगर आप इधर का भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहां से आप जो है एड सेलेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना चाहते या फिर यहाँ पर अगर आप आना नहीं चाहते हैं तो इसी को सेलेक्ट रखते हुए आप इसका शॉर्टकट की शिफ्ट बटन को प्रेस करके रख सकते हैं।
तो जैसे ही शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आप ये देखेंगे ये माउस पॉइंटर का जो है जो मैजिक वन टूल है वो प्लस में आ गया है और यहाँ का ये प्लस सेलेक्ट हो गया है। और जैसे ही आप शिफ्ट छोड़ेंगे फिर दोबारा उसी सिलेक्शन में चला जाएगा। तो आप शिफ्ट को दबा करके रखते हुए आप और ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं इधर भी ऐड हो गया, इधर भी ऐड हो गया। उसके बाद मान लीजिए और भी बीच में कहीं पर ऐड करना है, मान लीजिए यहाँ पर ग्रे है आप इसको ऐड करना चाहते हैं, तो फिर दोबारा शिफ्ट की को प्रेस करके रखिए और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये भी सिलेक्शन ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप जो छूट रहा है बीच बीच में कहीं पर ग्रे तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से ऐड बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी है, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं तो ये ऐड इंक्लूड हो जाएगा इस तरीके से। अब जो है उसके बाद अगर मान लीजिए हमें ये सिलेक्शन नहीं चाहिए था या इधर का सिलेक्शन हमको नहीं चाहिए था तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन माइनस करेंगे। इसके लिए ये प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट की अल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टर को दबाएंगे तो वैसे ही जैसे देख सकते हैं अल्टर को हमने दबाया और यहाँ पर प्रॉपर्टी भी ये सब्सट्रैक्ट वाली सेलेक्ट हो गई और आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ गया। जैसे ही छोड़ेंगे वापस ये वहीं पे चला जाएगा, पहले वाले सिलेक्शन में आ जाएगा। तो हम अल्टर बटन को प्रेस रखते हुए जो एरिया हमको नहीं चाहिए वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। मान लीजिए अगर हमको ये नहीं चाहिए, हमने क्लिक किया सिलेक्शन हट गया, उसके बाद इसी को रखते हुए सारा अगर सिलेक्शन हटाना चाहते हैं तो हम ऐसे क्लिक करते हुए चले जाएंगे और ये सारा का सारा सिलेक्शन ये हट जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ये मैजिक वैंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। और इस तरीके से मान लीजिए हम इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, शिफ्ट दबा करके प्लस करते हैं और प्लस करके हम जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब जो है हम इसका कलर अगर चेंज करना चाहें, बैकग्राउंड कैसे हम चेंज करेंगे अगले अध्याय में हम फीदर समझेंगे, तब जो है हम इसे प्रॉपर तरीके से समझेंगे, अभी हम सिलेक्शन समझ पाते हैं। तो बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने के लिए सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मान लीजिए सेलेक्ट हमने ऐसे किया तो जिस भी इमेज का बैकग्राउंड सिंगल कलर है या फिर कम वेरिएशन है तो आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अब वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी जहाँ पर कलर वेरिएशन हो रहा है, जैसे हम अगले इमेज में चलते हैं, यहाँ से ये इमेज आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ डार्क है इधर लाइट है, इधर कुछ डार्क है तो इधर लाइट है। तो इस कंडीशन में अब ये टूल कैसा परफॉर्म करता है वो हम देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर अगर यहाँ पर हमने क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं यहाँ के पिक्सल्स जहाँ जहाँ मिला मिलता जुलता वहाँ तक ये गया और यहाँ पर आकर के थोड़ा सा स्किन पर भी ये ऐड हो गया। तो चूंकि यहाँ का जो पिक्सल है उसका परसेंटेज मिलता जुलता इसको स्किन पर भी मिला, तो अब हम क्या करेंगे इसको प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करने के लिए हम इसको डिसेलेक्ट करते हैं और यहाँ से टॉलरेंस का परसेंटेज हम जो है घटाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 10 कर देते हैं अगर, और उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं स्किन पर नहीं गया और थोड़ा सा यहाँ पर छूट रहा है, तो आप इसको शिफ्ट प्रेस करके आप इसको ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से ऐड हो गया। और उसी प्रकार जो है अगर आप इसका परसेंटेज बढ़ाएंगे तो जो है उसका परसेंटेज बढ़ेगा तो पिक्सल से मिलता जुलता कलर और ज़्यादा वेरिएशन में पकड़ेगा। तो यहाँ पर जो है और सारी चीज़ें पकड़ने के लिए आप शिफ्ट को प्रेस रखते हुए इस तरीके से आप जो है बार बार क्लिक करते हुए सेलेक्ट कर सकते हैं और डार्क को भी इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये भी टूल बहुत ही बेहतर परफॉर्म करता है इस जगहों पर, एक तरह से हम इसको कम वेरिएशन वाले कलर मानेंगे इस तरीके से। तो इसके अंदर कम वेरिएशन था और यहाँ पर टॉलरेंस को समझाने के लिए हम लोग इस इमेज पे आए हैं। तो इस तरीके से आप जो है मैजिक वन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं कम वेरिएशन की जगह पर सिलेक्शन करने के लिए। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स आएगी अगर डायरेक्ट आप कलर चेंज करते हैं, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और उसके बाद हम जो तीसरी इमेज पे आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है, यानी कि स्किन कलर, हेयर कलर, फेस कलर, बैकग्राउंड, ये सारा का सारा जो है आपस में मिलता जुलता मिस कलर हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर कलर हैं अलग अलग। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे आप जहाँ पर क्लिक करेंगे ये वहीं का पिक्सल थोड़ा एरिया में सेलेक्ट होकर के रह जाएगा इस तरीके से। अगर आप यहाँ परसेंटेज बढ़ाते हैं, मान लीजिए 40 किया, तो इस तरीके का आप देख सकते हैं कुछ पकड़ेगा कुछ ऊपर जाएगा। तो इस टाइप के सिलेक्शन के लिए ये टूल जो है बिल्कुल काम नहीं करता, जहाँ पर मल्टी कलर बैकग्राउंड है या फिर मल्टी कलर वो एरिया है जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा कि ये टूल प्रॉपर कहां पर सही तरीके से यूज होगा, यानी कि हल्का फुल्का वेरिएशन के कलर को ये बहुत ही इजीली और बहुत ही फास्ट सेलेक्ट करता है। जैसे हम कंट्रोल डी करते हैं और इन दोनों तरफ के कलर को सेलेक्ट करना है तो मात्र एक सेकेंड के अंदर हमने शिफ्ट दबाया, इसको दबाया, इसको दबाया, बात खत्म, सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही फास्ट इससे जो है बैकग्राउंड सेलेक्ट कर पाएंगे। और उसके बाद जो टूल है वो है क्विक सेलेक्शन टूल। तो ये भी बहुत ही मज़ेदार टूल है। ये जो है हल्का फुल्का वेरिएशन अगर कलर में है तो उसको बहुत ही आसानी से जो है ये सेलेक्ट करता हुआ चला जाएगा। इसमें प्लस माइनस करने की आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए अगर ये स्किन एरिया हमको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने एक जगह सेलेक्ट किया, क्लिक किया तो ये इतना एरिया लिया। उसके बाद बाहर आकर के हम क्लिक करेंगे, जैसे माउस पॉइंटर के अंदर आप देख सकते हैं प्लस का निशान बना हुआ है, यानी कि ये सिलेक्शन को प्लस करता हुआ चला जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ब्रश का साइज़ आप छोटा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से आकर के यहाँ से आपको छोटा करने के लिए मिलेगा, आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं ब्रश का साइज। और ये बाई डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, इसको छेड़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस टूल के लिए खास करके, बाकी जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं बताऊँगा। तो उसके बाद ये प्लस करता हुआ चला जाएगा। मान लीजिए आगे हम सेलेक्ट करते हुए जा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ये प्लस करता हुआ जा रहा है इस तरीके से, सारे सिलेक्शन को जो है इसने प्लस कर दिया इस तरीके से, बाकी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है इस तरीके से। तो ये तो हो गया ऐड सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन करता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही एरिया इसने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए यहां से इसने जो है क्लॉथेस को, ग्रीन क्लॉथेस भी जो है इस सिलेक्शन के अंदर आ गया है, अब यहाँ पर कोई भी कलर इफेक्ट वगैरह अगर आप देते हैं तो वो स्किन पर भी जाएगा और ये क्लॉथ पर भी जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करेंगे या फिर अल्टर की को प्रेस करेंगे तो भी वो सेलेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अल्टर को प्रेस रखते हुए मान लीजिए हमने क्लॉथ पर अगर प्रेस किया तो आप ये देख सकते हैं क्लॉथ का सिलेक्शन हट गया है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर भी क्लिक करते हैं तो चूंकि ये रिबन है काफ़ी पतली तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस ब्रश के साइज को और छोटा करना पड़ेगा। हम यहां से बिल्कुल छोटा कर लेंगे और छोटा करना पड़ेगा ताकि वो जो है रिबन से बाहर ना जाए। और उसके बाद जो है आप ये अल्टर की को प्रेस करते हुए आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल बारीकी से ये जो है सेलेक्ट होता चला जा रहा है इस तरीके से। जो भी एरिया नहीं चाहिए अल्टर बटन को प्रेस कीजिए और इस तरीके से उसको डिसेलेक्ट कीजिए। अगर ये रिंग भी नहीं चाहिए तो आप इसको डिसेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इस टूल को यूज करके किसी भी कम वेरिएशन वाले हिस्से को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको डिसेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका काम फास्ट हो सके। सिलेक्शन के अध्याय में मैं बाकी कुछ नहीं बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसमें मैं इसीलिए बताया हूं कि सिर्फ सिलेक्शन के लिए, क्योंकि हर काम करने के लिए, जैसे इमेज में किसी भी हिस्से को या स्किन को गोरा करना है, कहीं पर लाइट बढ़ाना है या फिर कलर चेंज करना है, किसी भी क्लॉथ को, मान लीजिए किसी भी क्लॉथेस वगैरह को या कपड़े वगैरह का कलर चेंज करना है, हेयर वगैरह में डार्कनेस लेकर के आना है, तो जितने भी इस टाइप के वर्क होते हैं बिना सिलेक्शन के नहीं होते हैं। तो फोटोशॉप के अंदर जो सिलेक्शन का काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। आप जितना प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन का काम जानेंगे आप फोटोशॉप में उतना ही बेहतर तरीके से और साफ तरीके से आप काम को कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो दोस्तों ये तो था मैजिक वन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों टूल प्रॉपर तरीके से आपके समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट अध्याय में हम लोग इसी इमेज पर फीडर के बारे में जानेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसका समझना प्रॉपर तरीके से। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं इस अध्याय में उसको लेकर के नहीं चल रहा हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।